तो कल मैंने आपको ये बताया कि मेंडल ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म कराया, ठीक है। मैंने आपको मेंडल्स का टेक्निक बताया, ये टेक्निक आज भी हम फॉलो करते हैं। आज भी अगर हमको हाइब्रिडेशन स्टडी करनी हो तो हम मेंडल के टेक्निक को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। हालांकि मेंडल ने जो काम किया था उसमें कुछ काम पहले से भी चल रहा था उसी तरीके से, लेकिन मेंडल ने जो उनका सोचने का तरीका था, उनका रिजल्ट निकालने का तरीका था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। काम तो वो सब फॉर्सेप्स वगैरह यूज करके इमेस्कुलेशन करना, ये सब कोई मेंडल के नई टेक्निक नहीं थी, ये सब पहले भी होते थे। मगर वो जो दिमाग लगाए कि एक क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करके हमें रिजल्ट किस रेशियो में मिलेगा, वो सब कुछ नया था, ठीक है। तो आज हम ये समझेंगे कि मेंडल का रिजल्ट किस तरीके से वो पेपर पे वर्कआउट किए, और उन्होंने पेपर पे क्रॉस किस तरीके से कराया। आप वो कल कैसे कराया वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से परफॉर्म कराते थे मेंडल। पेपर पे ऑन पेपर वो रिजल्ट को कैसे पहले से अनुमान लगा लेते थे, और बाद में जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनको 19-20 सेम रिजल्ट मिल देखने को मिलता था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लमसम सेम देखने को मिलता था, कारण है बायोलॉजी में कुछ भी 100% नहीं होता है, बस ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स में होता होगा, बायोलॉजी में कुछ भी 100% नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। और नेचर में कुछ भी 100% नहीं है। हमने 100 प्लांट लगाया, पता चला 2-3 प्लांट का जर्मिनेशन ही नहीं हुआ, इन्वायरमेंट फेवरेबल ही नहीं था उसके लिए, वहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट ही नहीं था। पता चला कोई 2-3 प्लांट को डिजीज हो गया, मर गया, रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। तो लमसम को हम लोग 100% मान लेते हैं, बायोलॉजी में लमसम को हम लोग 100% मान लेते हैं, बाकी 100% होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो आखिर मेंडल ने कैसे क्या क्रॉस कराया, कैसे उनका क्या रहा। तो देखो मैंने कल आपको क्या बताया था कि मेंडल के हाथ में कितने जोड़ी थैलियां आई थी, 7 जोड़ी, 7 पेयर। अब उन्होंने हर जोड़ी का क्या किया, F1, फिर जाके F2, इस तरीके से परफॉर्म कराया। तो मैं उसी वाली बात को लेकर आगे बढ़ता हूँ, कल जो एक जोड़ी को लेकर मैं आगे बढ़ा था, टॉल एंड डॉर्फ, मतलब हाइट करेक्टर वाला, ठीक है। तो उन्होंने क्रॉस कैसे कराया, हम पहला क्रॉस बता रहे हैं जो मंडल ने कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहली बात तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन करने के लिए आ जाता है कई बार एग्जाम में, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक, और हाइब्रिड का मतलब को बताएगा, अरे हाइब्रिड का मतलब कल बताए थे, मतलब टर्मिनोलॉजी में बताए थे। वाह, सर, न्यू 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 कैरेक्टर फॉर्म, न्यू जनरेशन फॉर्म। बंद करो बंद करो बंद करो, कितना पढ़ते हो तो तुम्हारी हकीकत हमें पता ही है तुम सबकी। हाइब्रिड इज अनदर नेम ऑफ हेटरोजाइगस, अनदर नेम ऑफ इम्प्योर। मेंडल यहां पर जो अभी बताएंगे कि F1 जनरेशन में उनको हेटरोजाइगस मिलता था बार बार, तो वो एक कैरेक्टर को लेकर जब स्टडी किए तो उनको F1 जनरेशन में एक ही हेटरोजाइगस कंडीशन देखने को मिला। बाद में उन्होंने जब दो कैरेक्टर एट अ टाइम स्टडी किया तो उनको F1 जनरेशन में एक साथ दो हेटरोजाइगोसिटी देखने को मिला। जब हम डायविड में जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे उनको F1 जनरेशन में जब उन्होंने पेरेंट का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में एक हेटरोजाइगोसिटी कंडीशन देखने को मिला, और उन्होंने इस टाइप के क्रॉस का नाम दिया कि दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक समय पे केवल एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। इनहेरिटेंस तो सारे कैरेक्टर का होता है एट अ टाइम, हम स्टडी कर रहे हो एक कैरेक्टर का, तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस इज वेरी फंडामेंटल क्रॉस। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेंडल ने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी किया, फिर डायहाइब्रिड का किया, थोड़े बहुत ट्राईहाइब्रिड भी किया। मैं आपको एक बार बता दूं, चाहे डायहाइब्रिड हो, चाहे ट्राईहाइब्रिड हो, चाहे टेट्राहाइब्रिड हो, कोई भी हाइब्रिड वाला क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड इज बेसिक फंडामेंटल। और मैं आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप डायहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड को डायहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड के तरीके से सॉल्व ना करें, आप उसको मोनोहाइब्रिड के पैटर्न में सॉल्व करके मल्टीपल करें 2 से, मल्टीपल करें 3 से, आपका न्यूमेरिकल बेहद आसान हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी चीज में हैबिचुअल हो चुके हैं पहले से तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो ये सलाह देता हूँ कि भैया डायहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड उनको भी हम मोनोहाइब्रिड तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 2 से या 3 से। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आंसर आने से मतलब है, ठीक है। चलिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी बेसिक और फंडामेंटल क्रॉस। अब देखते हैं कि इस क्रॉस में मेंडल ने क्या किया है। मेंडल ने सबसे पहले, अच्छा देखो,
मेंडल ने जितने भी क्रॉस पेपर पे किए ऑन पेपर, उन्होंने एरो मेथड यूज किया है। एरो समझते हैं, दिस वन एरो मेथड। एक चेकर बोर्ड मेथड भी आता है, बाद में एक पुन्नेट साहब के साइंटिस्ट हैं, आरसीफ पुन्नेट, पुन्नेट साहब नाम के साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक मेथड दिया है पुन्नेट स्क्वायर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। मेंडल को पुन्नेट स्क्वायर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, उन्होंने एरो मेथड यूज किया है। ठीक है, तो याद रहे कि जब भी आप ऑन पेपर या ऑन कॉपी जब आप लिखा देखेंगे एरो मेथड, तो आप समझ लेना कि मेंडेलियन क्रॉस का पैटर्न है। ठीक है, फिर मेंडेलियन क्रॉस को ही पुन्नेट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ ना बोले तो आप मेंडेलियन पैटर्न में लिखो, क्रॉस लिखना है अगर मोनोहाइब्रिड तो मेंडेलियन पैटर्न में लिखो। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया कि पुन्नेट स्क्वायर के फॉर्मेट में ही लिखिए तो पुन्नेट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो। अगर ज्यादा बढ़िया नंबर लेना है तो मेंडेलियन फॉर्म में भी लिखो एंड देन छोटा सा पुन्नेट स्क्वायर भी बना दो तो ज्यादा नंबर मिलेगा। समझ जाएगा कि दोनों का नॉलेज है इसको। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने पेरेंट लिखा, दिस वन इज पेरेंट। ये क्या है पेरेंट, इधर लिखो, चलो यहां लिखता हूं, दिस वन इज पेरेंट। ताकि नीचे तक दिखे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है जी, दिख रहा है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। अब दिख रहा है? अब यस सर। किसी को छोटा तो नहीं दिख रहा ना? यस सर, नो सर। तो ऊपर वाला थोड़ा सा कट गया। हाँ वो, अरे फीमेल है, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। तो ये उन्होंने पेरेंट लिया है। ठीक है, ये क्या है पेरेंट है, इसमें मैं बहुत सारी ऐड करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं कॉपी पे ऐड करके आपको भेजूं, बहुत मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट्स में ऐड कर लिया करो अपने मन से। तो ये उन्होंने पेरेंट लिया। ठीक है साहब, उन्होंने क्या किया, पेरेंट में एक पेरेंट लिया क्या फीमेल और एक पेरेंट लिया मेल। अब आप बोलोगे देखो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स में अंडरस्टूड होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर पी प्लांट तो बायसेक्सुअल होता है, पी प्लांट तो मतलब फ्लावर तो बायसेक्सुअल होता है, तो आप ये मेल फीमेल क्यों लिख रहे हो? क्या इसका चक्कर मैं कल ही समझा चुका हूँ, समझा चुका हूँ इसका चक्कर मैं कल ही समझा। अब ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा और ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि ये मेल कैसे और ये फीमेल कैसे, इस पर मैं बार बार चर्चा नहीं करूंगा और कोई सवाल भी मत पूछना, अंडरस्टूड है। अब इसे क्या कर रहे हो तुम, ये सुनो ना चुपचाप, ये इस पर लिखने का प्रयास कर रहा है। हाँ तो ये क्या है, उन्होंने एक लिया मेल प्लांट एक लिया फीमेल प्लांट, और ये मेल और फीमेल उन्होंने क्या किया, मेल को लिया टॉल और फीमेल को लिया ड्वार्फ। तो मुझे जल्दी से बता दो कि मेल का जीनोटाइप क्या होगा, फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, प्योर टॉल लिया है प्योर ड्वार्फ लिया है? प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। अरे हाँ, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा सर? ये टॉल का होगा सर, कैपिटल टी कैपिटल टी, और डॉर्फ को होगा स्मॉल टी स्मॉल। बाकी बच्चे का मुंह में क्या पान है, जब कल ही सिखा चुका हूं कि ये प्योर टॉल है, टॉल इज फिनोटाइप, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। और जब ये सिखा चुका हूं कि डॉर्फ है, और वैसे भी डॉर्फ हमेशा ही प्योर होता है, रिसेसिव वाला हमेशा प्योर होता है, सिखाया था उस दिन, डोमिनेंट वाला भले ही प्योर हो जाए हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो ये डॉर्फ है और उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तो हुआ क्या पेरेंटल जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, अब सुनना, ये तो पेरेंट का क्या है भैया, एक सेल का जो गेमिट बनाने वाले सेल है, जर्म सेल, उसका है जीनोटाइप। अब मुझे एक बार बताओ कि ये जब आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस? मियोसिस, मियोसिस। अब मैं क्या आपको सिखाया हूं कि मियोसिस में एक सेल, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी वाला एक क्रोमोसोम है, तो एक ऐसे, जैसे ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो एक कैपिटल टी यहां पे है, तो जब ये मियोसिस वन किया होगा तो ये दोनों पहले अलग हुआ होगा, लेकिन इसी दौरान मियोसिस वन के दौरान क्रोमेटिड का डबल डुप्लीकेशन हो गया होगा, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, याद है? तो एक सेल ये इधर एक सेल इधर, लेकिन अब वो डबल क्रोमेटिड स्टेज में आ चुका होगा, और यहां भी कैपिटल टी यहां भी कैपिटल टी यहां भी कैपिटल टी यहां भी कैपिटल टी। फिर जब मियोसिस टू हुआ होगा तो ये दोनों सेपरेट हो गया होगा, फिर सिंगल क्रोमेटिड स्टेज में आ गया होगा। ये सारी बात मियोसिस में हो चुकी है। अब जिन्होंने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा उनको मैं कब का बोला हूँ सेल डिवीजन पढ़ लेने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़े, मेरी गलती नहीं है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, और यही चारों क्या है मुझे बताओ, ये डिप्लॉयड सेल था यस और नो? तो ये हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, और ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड। ओके,
तो मुझे एक बार बताओ, यही चारों तो गैमेट है ना, मैं वहां भी बोलता था कि मियोसिस में बनने वाले चारों ऑप्टर्स है, लास्ट वाले वही गैमेट होते हैं। तो मुझे बताओ कितने कितने टोटल गैमेट बने? चार। चार। लेकिन क्या सभी में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेने वाला रखने वाला अलील सभी में सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो मुझे चार बार टी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ दिस वन, मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्चुअली दिस वन इज द टाइप ऑफ गैमेट। क्या लिखने वाला हूं? टाइप, टाइप ऑफ, इधर लिख दूंगा ये मेल, ये क्या है टाइप ऑफ फीमेल गैमेट। तो मैं इधर क्या लिखूं जल्दी बोलो, ये क्या जल्दी बोलो, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट। और कितने टाइप के हैं बताना जरा? दो। और ये था फीमेल पेरेंट, दो है। ये था फीमेल पेरेंट, तो ये क्या है बताना जरा? मेल पेरेंट, मेल पेरेंट। इधर लिख दूं साइड में, इधर ऐसे मेल पेरेंट। समझते चलो ध्यान से, ये मेल पेरेंट हो गया, ये फीमेल पेरेंट हो गया भैया। इधर ये हो गया टाइप ऑफ फीमेल गैमेट, और इधर हो गया टाइप ऑफ मेल गैमेट, एक ही टाइप के। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अंडरस्टूड है? जैसे मेल गैमेट बना होगा ऐसे ही फीमेल गैमेट भी बना होगा, जैसे मेल गैमेट बना है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ कि जब चारों एक, जितने भी चार टोटल चार गैमेट बने लेकिन टाइप एक ही है, तो अब उसी टाइप, एक टाइप मेल और एक टाइप फीमेल, उन दोनों के फ्यूज होने की ही संभावना है? फीमेल गैमेट गया किसी फीमेल से फ्यूज किया, मतलब कि चार पोलन बने हैं चारों में, जीनोटाइप सेम ही है, इसमें कैपिटल टी वाला है। इधर चार एग बने हैं, कोई भी एग सरवाइव करे सबके पास तो स्मॉल टी ही बचने वाला है, तो ये कैपिटल टी ही स्मॉल टी को फ्यूज करेगा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, अगर हो तो मुझे बता दो, है क्या? नहीं है। तो मुझे बताना जरा, ये जो उन्होंने पेरेंट लिया प्योर पेरेंट, अब जो ये गैमेट है मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है, ये सेम प्लांट के या डिफरेंट प्लांट के? सेम प्लांट के। अरे भावना, अगर सेम प्लांट का होता तो मैं स्टार्टिंग में मेल फीमेल बताता है क्यों? कल ही बताया मेंडल भैया, यार क्या कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, और उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलन को छिड़कते थे तो सेम प्लांट का छिड़कते थे क्या? तो ये क्या क्रॉस पोलिनेशन, तो ये क्या कराया उन्होंने, क्रॉस पोलिनेशन। चलो भैया, तो अब उन्होंने जब क्रॉस पोलिनेशन कराया कैपिटल स्मॉल टी का डिफरेंट प्लांट का है, तो जो जायगोट आया होगा, गैमेट के फ्यूजन से क्या आता है जायगोट, तो जो जायगोट आया होगा उसका जीनोटाइप क्या रहा होगा? क्योंकि देखो ये जो गैमेट है, गैमेट देखो सुनो, जो गैमेट बनाने वाले सेल है वो होते हैं डिप्लॉयड, सुना ध्यान से, फिर जब मियोसिस होता है तो गैमेट बनता है हैप्लॉयड, फिर जब दो दो गैमेट फ्यूज होता है तो जो जायगोट बनता है वो हो जाता है क्या डिप्लॉयड। तो ये तो पक्का है कि इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रखने वाले दो टाइप के दो दो नंबर एलील होंगे, यहाँ पे एक नंबर एलील होंगे, और एक और अलील वाला गैमेट फ्यूज करेगा तो दो अलील रखने वाले एक सेल बनेंगे जिसको डिप्लॉयड बोलोगे। तो मुझे बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी रखने वाला गैमेट फ्यूज किया तो जो जायगोट बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा कि हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। उसका जीनोटाइप क्या, उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, ये है F1 गैमेट और उसी से ये बना F1 ऑफस्प्रिंग। क्या है ये? F1 ऑफस्प्रिंग। लो लिख देता हूं मैं, ये क्या है F1 ऑफस्प्रिंग। अब मुझे एक बात बताना जल्दी से, क्या यहाँ पे F1 ऑफस्प्रिंग का नंबर एक रहा होगा या घने सारे? बहुत सारे। बहुत सारे, बहुत सारे। बात को पकड़ ले, क्योंकि मैंने भले ही यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दिखाया है, लेकिन क्या ऐसा एक ही कैपिटल टी स्मॉल टी बना होगा? नहीं, घने सारे। ऐसे घने सारे बने होंगे, तो ऐसे घने सारे जायगोट भी बनेंगे, लेकिन टाइप कितना होगा जायगोटिक कॉम्बिनेशन का? जायगोटिक कॉम्बिनेशन का टाइप कितना होगा? एक ही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो एक ही है ना फ्यूजन का, तो एक ही टाइप के गैमेट जायगोट बनेंगे, दैट इज द कैपिटल टी स्मॉल टी। और वो प्लांट फिर बड़ा होगा, और वो प्लांट फिर जब बड़ा होगा तो बताना प्लांट बायसेक्स, प्लांट का फ्लावर बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? अब आप उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेल्फिंग कराने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्या वो अपने आप हो जाएगा?
अपने आप होगा, नो प्रॉब्लम। मेल गैमेट भी बनेगा, फीमेल गैमेट भी बनेगा उसी प्लांट में, क्योंकि ये प्लांट जब ये अभी जायगोट बना, फिर उससे आगे चलकर उसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, रूट स्टेम लीफ बनेगा, फिर जाके फ्लावर बनेगा, फ्लावर बायसेक्सुअल होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बनेगा। तो एक ही फ्लावर में फिर जाके मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा। बोलो, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे तो आप क्या बता रहे थे, टाइप ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ फीमेल पेरेंट बता रहे थे, यस और नो, पेरेंट फीमेल पेरेंट, और आप क्या बता रहे थे, टाइप ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ, जल्दी बताना, मेल पेरेंट। लेकिन अब आप क्या करने वाले हो, अब आप क्या करने वाले हो कि ये फीमेल गैमेट्स किसका, फीमेल गैमेट्स ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग। अब आप वो F1 ऑफस्प्रिंग को आप मेल फीमेल नहीं बोलोगे क्योंकि उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, समझ पा रहे हो क्या, फीमेल गैमेट ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग। अभी मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, आगे मैं इतना नहीं बताऊंगा न्यूमेरिकल में बार बार। और ये क्या होगा, मेल गैमेट ऑफ, जल्दी बोलो, F1 ऑफस्प्रिंग। आप उसको मेल और फीमेल नहीं बोलोगे F1 को, उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मोनोसेक्स प्लांट है। चलो, तो अब मुझे बताना जल्दी से कि F1 का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये सेल जब मियोसिस वन किया होगा, तो मियोसिस वन में कितने सेल बनेंगे, एक से चार, ये चार वाले कौन है जी, ये चार वाले कौन है, एक से कितने बनेंगे, दो। तो मुझे बताना यहाँ पे ये सिंगल क्रोमेटिक स्टेज में थे, अब तक ये डबल क्रोमेटिक स्टेज में आ चुके होंगे, यस और नो, यस सर। अरे वहां S फेल हो गया ना, तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो सेम होगा, यहाँ पे स्मॉल टी। अब मियोसिस टू होगा दोनों में, तो दो सेल से मियोसिस टू में टोटल कितने सेल बन जाएंगे, फोर। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोमेटिड इसका, एक सिंगल क्रोमेटिड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी, यहाँ आ जाएगा स्मॉल टी, यहाँ आ जाएगा स्मॉल टी। अब मुझे बताना कि जब इस वाले सेल से मियोसिस कंप्लीट हुआ, चार गैमेट बने हैं, टोटल कितने गैमेट बने, चार, लेकिन टोटल कितने टाइप के गैमेट बने, जल्दी बताना, कौन कौन से कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूंगा तो हो जाएगा काम, यस सर। क्या इन द सेम वे ऐसा हुआ होगा एंड्रोसियम के अंदर, जहां पोलन ग्रेन बन रहा होगा उसी फ्लावर के एंड्रोसियम के अंदर, क्या इन द सेम वे उसी फ्लावर के गाइनोसियम के अंदर फीमेल गैमेट भी इसी तरीके से बना होगा या नहीं बना होगा, यस सर, बिल्कुल बना, यस सर। तो फीमेल गैमेट का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैसे लिख रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आगे, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ज्यादा है तो अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने कॉपी में ऐड करने के लिए, वो मेरा पार्ट नहीं, वो आपका पार्ट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको, ये क्या बता रहा हूँ, ये बताना क्या है, अच्छा लिख तो दिया, ये ऊपर ही तो लिख दिया कि फीमेल गैमेट्स ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग लिख तो दिया ऊपर, उसको नीचे मैंने दिखा दिया कितने टाइप के हैं फीमेल गैमेट्स, यहाँ पे टू टाइप दिख रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल भी दो टाइप के। अब बताना इसको हटाओ, अब बताना नंबर चार है, नंबर पे मत जाओ, टाइप पे जाओ, नंबर कैसे निकालना होगा वो मैं सिखा दूंगा बाद में, ठीक है। अब जाओ टाइप, अब मुझे एक बात बताना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कैपिटल टी वाला जो पॉलन ग्रेन है कैपिटल टी वाले एग से फ्यूज करे, एक संभावना ये है, यस और नो। लेकिन इसी पर्टिकुलर पॉलन की एक संभावना ये भी है कि ये स्मॉल टी वाले एग से फ्यूज करे, यस और नो, यस सर। इन द सेम वे, इन द सेम वे ये स्मॉल टी वाले पॉलन ग्रेन की संभावना है कि वो कैपिटल टी वाले एग से फ्यूज करे, लेकिन इसकी संभावना एक और है कि स्मॉल टी वाला पॉलन ग्रेन स्मॉल टी वाला एग से फ्यूज करे। तो मुझे बताना यहां फर्टिलाइजेशन के, फ्यूजन के टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये मैं बोलूं कि इच इंडिविजुअल गैमेट की कितनी पॉसिबिलिटी है तो आंसर जाएगा टू। कितने बातों को पल्ला पड़ रहा है, कितने लोगों को बात पल्ले पड़ रही है, इच गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, दो। तो दो गैमेट है ना, दो टाइप के, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, दो, तो चार हो गए। अब ये मत बोल देना सर इसकी भी तो दो प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी तो दो प्रोबेबिलिटी है, आठ। अरे भैया इसकी प्रोबेबिलिटी दो है, किसके साथ है, इसी दोनों के साथ है ना भैया,
और इसकी दो प्रोबेबिलिटी तो किसके साथ है, इसी दोनों की है ना, तो प्रोबेबिलिटी में दोनों तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना, आठ मत बता देना। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा है तो अगर ये कैपिटल टी फ्यूज करेगा तो जैगुड कैसा बनेगा एफ1 में, कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी। अब मुझे बताना कि ये जो सारे बने ये क्या है, एफ2 ऑफस्प्रिंग, एफ2 ऑफस्प्रिंग, यस और नो, एफ2 ऑफस्प्रिंग। अब मुझे जल्दी से बता देना, आपको फिनोटाइप देख के जीनोटाइप बताने का आइडिया तो आ चुका। मैं पहले बोल रहा हूं हाइट इज अ क्वालिटेटिव करेक्टर नॉट क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से ये डिसाइड नहीं होगा कि हाइट कम या ज्यादा, डोमिनेंट है इतना ही काफी है, टॉल आ जाएगा, ठीक है, एक भी डोमिनेंट नहीं है ड्वार्फ आएगा, ठीक है, आपको पता। अब मुझे बताओ कैपिटल टी वाले जो जीनोटाइप है उनका फिनोटाइप क्या आएगा, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले Tall. Tall. क्योंकि ये क्वालिटेटिव करेक्टर है, ऐसा मत कहना कि इसका हाइट थोड़ा सा उससे कम आएगा, नहीं। अच्छा कैपिटल टी कैपिटल वाले, फिर एक और है टॉल, और स्मॉल टी वाले ड्वार्फ। तो मुझे एक बात बताओ कि एफ टू जेनरेशन में टोटल, अच्छा एक बार बताओ, सुनो एफ वन में एक चीज बोल बताना बोल गया, एफ वन में एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऑफस्प्रिंग आए थे, तो मुझे बताना यहाँ टोटल कितने जीनोटाइप आए एफ वन में ऑफस्प्रिंग का, दो, दो रेमोट, दो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, ऑफस्प्रिंग एक आएगा, हाँ, तो उसका जीनोटाइप कितना है, ये तीन कौन बोल रहा है जी, ये एफ1 ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी लेके आ रहे हैं सारे ऑफस्प्रिंग एफ1 में, तो कितने जीनोटाइप हैं यहाँ पे, कितने टाइप के जीनोटाइप, एक, और फिनोटाइप कितने हैं, एक। तो जब जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही है तो फिर यहाँ पे कोई रेशियो नहीं मिलने वाला, क्योंकि रेशियो मिलने के लिए एटलीस्ट दो टाइप का होना चाहिए, F1 में कोई रेशियो नहीं है। अब आते हैं F2 में, F2 में ध्यान से बताना टोटल कितने जीनोटाइप हैं, टोटल कितने जीनोटाइप हैं, दो, चार, हाँ ये सही जवाब है, टोटल जीनोटाइप चार है, एक दो तीन चार। अब सुनना टोटल कितने टाइप के जीनोटाइप हैं, तीन, दो, अरे दो वाले कौन है जी, टोटल कितने टाइप के जीनोटाइप हैं, तो एक टाइप ये हुआ, तीन सर, एक टाइप ये हुआ, तीन, और एक टाइप ये हुआ, तो थ्री टाइप के जीनोटाइप हैं, ठीक है। टोटल कितने फिनोटाइप हैं, दो टाइप, दो ही है, फिनोटाइप दो ही है, टोटल कितने टाइप के हैं, तो दो ही है, ये कितने को पल्ले पड़ रहा है, अभी कितने को पल्ले पड़ रहा है। अच्छा यहां पर टोटल जायगोटिक कॉम्बिनेशन कितने हैं, दो, चार, चार। टोटल कितने टाइप के जायगोटिक कॉम्बिनेशन हैं, तीन, 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 क्योंकि एक टाइप ये, एक टाइप ये, वही जीनोटाइप पे चले गए फिर हम। तो मुझे एक बार बताओ यहां पे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो टाइप के फिनोटाइप और थ्री टाइप के जीनोटाइप, ठीक है। अब रुको, एफ वन में आपको, F1 में मेंडल को नो रेशियो, कोई रेशियो उनको नहीं मिला, सारे के सारे टॉल आए, और F2 में उनका दिमाग खनक गया, F2 में क्या हो गया, उनको रेशियो मिला, और F2 में उनको जीनोटाइप का अलग रेशियो मिला और फिनोटाइप का अलग रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो PR और जीनोटिपिक रेशियो GR। तो मुझे बताना फिनोटिपिक रेशियो टोटल कितने फिनोटाइप है, बताना जरा जल्दी से, दो, दो, कौन कौन सा, टॉल वर्सेस टॉल और ड्वार्फ, जीनोटाइप टोटल कितने हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप हैं, तीन, तीन, कौन कौन से, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, इसी का रेशियो निकाल रहे होंगे। तो मुझे बताना जरा जल्दी से कि फिनोटाइप का क्या रेशियो आया होगा, 1:2, नहीं 2:3। आपके यहां पे, आपके यहां पे टोटल कितने जायगोटिक कॉम्बिनेशन है F2 में, चार, चार में टॉल कितने हैं, तीन, 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 तो टॉल तो थ्री हो गया, ड्वार्फ कितने हैं, एक, तो रेशियो जाएगा 3:1। ये तो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो। बाद में रट लेना है, रट याद हो जाएगा, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि रेशियो निकाला कैसे है हमने। अब आता है जीनोटिपिक रेशियो पे, टोटल कितने जायगोटिक कॉम्बिनेशन आए F2 में,
चार, तो उसमें से कैपिटल टी कैपिटल टी रखने वाले कितने इंडिविजुअल हैं? एक एक, और कैपिटल टी स्मॉल टी रखने वाले कितने इंडिविजुअल हैं? दो। स्मॉल टी रखने वाले कितने इंडिविजुअल हैं? एक। एक, तो रेशियो क्या हो गया? और अंडरस्टूड है कि ऐसा नहीं है कि आप उल्टा के इसको इधर ले आओगे इसको उधर, नहीं, इसी तरीके से लिखते हैं जैसे मेंडल लिखे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। हाँ, कल को मैं जबरदस्ती क्वेश्चन में उल्टा के बोल दूं कि इन F2 जनरेशन फिनोटाइपिक रेशियो ड्वार्फ वर्सेस टॉल आंसर क्या होगा, 3:1 या 1:3? 1:3। मैं जबरदस्ती आगे से खुल के ऐसा बोल दूं तब आपको 1:3 बोलना है, अदरवाइज 3:1 ही बोलना है हमेशा। सही है क्या? तो ये हो गया F2 जनरेशन में। मुझे जल्दी से बताओ कि F1 में कोई रेशियो क्यों नहीं मिला? सिंगल सेल F1 में कोई रेशियो नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि F1 में सारे के सारे प्लांट एक जैसे थे, फिनोटिपिक मामले में भी और जीनोटिपिक मामले में भी। बोलो, यहां तक मामला क्लियर होता? आगे बढ़े। Yes, ये रेशियो इधर इधर ये रेशियो मैंने साइड में लिखा है, अदरवाइज आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब क्या है कि इस पर्टिकुलर प्लांट को अगर आप सेल्फिंग करने छोड़ दें, इसको आप सेल्फिंग करने छोड़ दो या इसको करने छोड़ दो या इसको करने छोड़ दो, छोड़ सकते हो ना, चार टाइप का प्लांट है, मतलब चार टोटल जायगोटिक कॉम्बिनेशन है, तो करने छोड़ दो। अगर इसको आप सेल्फिंग करने छोड़ोगे तो मुझे बताना इसके सेल्फिंग के थ्रू F3 में क्या रेशियो आएगा? टॉल होगा सर। नो रेशियो, ऑल टॉल। करा के देख लो ना यार, अरे करा के देख लो ना, क्रॉस है कि नहीं? अरे ऑल टॉल, नो रेशियो। यस सर, F3 में नो रेशियो। चलो नो रेशियो यहाँ पे लिख लेना, नो रेशियो लो लिख देता हूं, इसके F3 में नो रेशियो। ठीक है, चलो। अच्छा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला अगर अपना खुद का सेल्फिंग किया तो इसमें रेशियो क्या आएगा F3 में, जल्दी बताना। 3:1 और 1:2 कहां से आ जाएगा? नो रेशियो, करा के देख लो सर। ये वाला टी कैपिटल टी स्मॉल टी का बोल रहा हूं मैं, इसका इसका नो रेशियो। बोलो, ये दोनों समझ में आ गया क्यों हुआ नो रेशियो? क्यों हुआ नो रेशियो समझ में आ गया? यहाँ से खुद कुछ कंक्लूजन दिमाग में आना चाहिए, यानी कि जब भी हम होमोजाइगस होमोजाइगस को कराएंगे क्रॉस, चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट हो, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव हो, या होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हो, तो रेशियो नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? रेशियो नहीं आने वाला है, एक ही टाइप का प्लांट मिलने वाला है। अब आ जाओ, चाहे आप इसको अपना सेल्फिंग करने छोड़ दो चाहे इसको करने छोड़ दो, बात बराबर है। तो जब आप इसको सेल्फिंग करने छोड़ोगे तो इसका F3 में क्या रेशियो होगा, जल्दी बताना। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि सर आप कौन सा रेशियो पूछना चाहते हो, फिनोटिपिक या जीनोटिपिक? फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जल्दी बोलना। 3:1 फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा, 3:1 अंडरस्टूड है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ। और जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 1:2:1। ये अंडरस्टूड है कि कैपिटल टी वर्सेस कैपिटल टी, स्मॉल टी वर्सेस स्मॉल टी है, ये अंडरस्टूड है। तो ये तो मेंडल ने F3 तक इस तरीके का काम करा के देखा, ये हुआ मेंडल का ऑन पेपर रिकॉर्ड कि उन्होंने कैसे काम किया और क्रॉस को कैसे कराया। अब इस क्रॉस से मेंडल ने कई सारा कंक्लूजन निकाला, बहुत सारा कंक्लूजन, ठीक है। तो अब हम उस कंक्लूजन पे बात करने वाले हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। और ये जैसे मैंने अभी इस कॉपी को कंप्लीट किया है, आप भी इस कॉपी को कंप्लीट कर लेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ बात बताना चाहता हूँ, और वो क्या बात है कि आपको मैंने एक दिन बोला था कि जब आप इनब्रीडिंग मतलब सेल्फिंग कराते हैं इनब्रीडिंग, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ता है या घटता है, जल्दी बताना। बढ़ता है। और हेटरोजाइगोसिटी? हेटरोजाइगोसिटी घटता है। लेकिन जैसे ही आप आउटब्रीडिंग कराते हैं तो आउटब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी घटता है, हेटरोजाइगोसिटी बढ़ जाता है। आइए आपको इस पर्टिकुलर क्रॉस मेंडेलियन क्रॉस में मैं आपको आभास दिला देता हूं, आ जाओ आप देख लेना। ये पेरेंट कैसे हैं? प्योर, दोनों पेरेंट क्या है? प्योर, एकदम होमोजाइगस। तो
तो मुझे बताना कि अभी F1 में होमोजाइगोसिटी कितना 100% राइट, यस और नो? यस सर। अब जब आप जैसे ही आप क्रॉस पॉलिनेशन कराए, क्रॉस पॉलिनेशन मींस आउटब्रीडिंग या इनब्रीडिंग? आउटब्रीडिंग। तो मुझे बताना कि जो अगला जनरेशन मिला F1 उसमें कितने परसेंट रहे हेटरोजाइगस और कितने परसेंट होमोजाइगस? 50% ये उल्टी कौन कर रहा है 50-50? रे भोंट, जब सारे एक ही टाइप के जीनोटाइप आए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो होमोजाइगस कहां से आया बताना जरा मुझे। होमोजाइगस कौन है F1 में बताना जरा, कौन होमोजाइगस आया, होमोजाइगस जीनोटाइप बताना जरा। हां राजेश्वरी, F1 में कौन है होमोजाइगस? नहीं सर, नहीं सर, F2 में था। तो F1 में कितने होमोजाइगस, कितने परसेंट और कितने परसेंट हेटरोजाइगस? F1 में हेटरोजाइगस 100% और होमोजाइगस 0%। तो अब आप ये देखो कि जहां पैरेंटल जनरेशन में, माइक बंद करो, आंसर देकर माइक बंद, अंडरस्टूड है? जब पैरेंटल जनरेशन था तो पैरेंटल जनरेशन में 100% होमोजाइगस और 0% हेटरोजाइगस चल रहा था, देख लो। जैसे ही आपने क्रॉस ब्रीडिंग कराया मामला ही पलट गया, पूरा का पूरा हेटरोजाइगस आ गया 100%, और क्या हो गया 0% होमोजाइगस। इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, इस पेरेंट से F1 आने पे क्या कंक्लूजन मिलता है, जल्दी बताना। इससे आपको कंक्लूजन मिलता है आउटब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी घटता है, हेटरोजाइगोसिटी बढ़ता है। इससे आपको ये कंक्लूजन नहीं मिल रहा है कि इनब्रीडिंग से क्या होता है, क्योंकि इनब्रीडिंग कराया ही नहीं हो अभी, कराए तो क्रॉस ब्रीडिंग होना, कराए तो आउटब्रीडिंग होना। तो इससे आपको ये ज्ञान मिलता है कि आउटब्रीडिंग से हेटरोजाइगोसिटी बढ़ता है, होमोजाइगोसिटी कितने होमोजाइगस मिले और कितने हेटरोजाइगस मिले, ध्यान से देखकर बताना। ये ऑफस्प्रिंग के टोटल जायगोटिक कॉम्बिनेशन, कितने परसेंट होमोजाइगस, कितने परसेंट हेटरोजाइगस? आपको क्या शिक्षा मिलती है, जल्दी बताना। इस कहानी से होमोजाइगस, इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ता है और हेटरोजाइगोसिटी घटता है, क्योंकि हेटरोजाइगोसिटी घट के 100 से 50 हो गया और होमोजाइगोसिटी बढ़ के 0 से 50 हो गया, समझ पा रहे हो? चलो और बता रहे हैं। फिर जब आपने इसको सेल्फिंग कराया, इसको इसको होने दिया सेल्फिंग कैपिटल टी वाले को, तो फिर बताओ इससे तो 100% होमोजाइगस आ गया, फिर सेल्फिंग होने दिया ना, इसको भी होने दिया तो 100% होमोजाइगस आ गया, 50 से डायरेक्ट 100% हो गया। लेकिन हाँ, इस वाले केस में क्या होगा कि जब आपने इसको कराया फिर से बढ़ा होगा क्या होमोजाइगोसिटी, तो बढ़ के कितना परसेंट हुआ होगा, अब हो गया होगा 75%, 50%, मतलब ठीक है, मतलब कि उसके कम। F3 में ये देखो कि टोटल F3 का टोटल ऑफस्प्रिंग जोड़ के देखो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो होमोजाइगस ज्यादा हो गया और ये हेटरोजाइगस कम पड़ गया, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? F3 में टोटल जोड़ोगे ना कि इन सभी का अपना सेल्फिंग होने दिया और टोटल देखो, तो ओवरऑल और होमोजाइगोसिटी बढ़ा, यस और नो? 75% हो गया होमोजाइगोसिटी, और हेटरोजाइगोसिटी घट के रह गया 25%। फिर ऐसे जाओगे इसी प्रपोर्शन में, इसी प्रपोर्शन में जितना भी हेटरोजाइगोसिटी है वो अपने 50% से घट जाएगा और जितना भी होमोजाइगोसिटी है वो अपने 50% से बढ़ता चल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि इनब्रीडिंग कराते जाओगे होमोजाइगोसिटी बढ़ता जाएगा, हेटरोजाइगोसिटी घटता जाएगा, और ये कंक्लूजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बोलो कितनों को समझ में आ गया, जल्दी हाथ खड़ा कर दो एक बार, समझ आ गया तो। अब मैंने अभी जो कुछ भी बोला है ये सारा बात, चलो सबको समझ में आएगा, ये सारा बात यहाँ टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पुनेट स्क्वायर अभी समझाऊंगा, रुक जाओ। ये देखो यही अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, क्या ये समझ जाओगे? अरे क्या ये समझ जाओगे? Yes, sir. चलो yes, sir. अब हम अगले मीटिंग में आपको बताते हैं पुनेट स्क्वायर क्या होता है। अभी आप क्या करो, जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उसको एक बार पूरा विजुलाइज कर लो, तब आपको पुनेट स्क्वायर समझ में आएगा। आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में। किसी को कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है? अभिषेक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर।
सृष्टि नो सर रिभा नो सर विवेक नो सर चलिए तो अब क्या करते हैं अगले मीटिंग में आते हैं यहां तक जल्दी से आप देख लीजिए।